मैं राजेश कुमार शर्मा फिटर टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। देखिए, इस सीरीज का हमारा पहला क्वेश्चन है। अगर आप भी टेस्ट देना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल फिटर टॉपिक स्टडी से जरूर जुड़ें, जिसमें ऑनलाइन टेस्ट कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर एक है, काउंटर सिंक हेड रिवेट का कौन होता है? काउंटर सिंक हेड रिवेट का कौन जो होता है, ऑप्शन ए है 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 120 डिग्री, ऑप्शन तीस सी है 30 डिग्री, ऑप्शन डी है 60 डिग्री। इसका सही आंसर जो होता है 90 डिग्री होता है। काउंटर सिंक हेड रिवेट की जब बात की जाती है तो 90 डिग्री होता है। यही आपसे अगर पूछा जाता काउंटर सिंक रिवेट के लिए चैम्फरिंग कोण, वो होता है आपको 75 डिग्री। अगर यही आपसे बोला जाता है सेल्फ टैपिंग काउंटर सिंकिंग स्क्रू के लिए 80 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, थ्रेड कटिंग के लिए चैम्फरिंग कोण, अगर थ्रेड काटने के लिए चैम्फरिंग बनाना है तो उसका कोण होता है 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थंब स्क्रू प्रायः हाथों के द्वारा ही खोले या कसे जाते हैं। इनके हेड का आकार होता है ओवल होता है, काउंटर सिंक होता है, सी है ओवल काउंटर सिंक होता है और डी है फ्लैट होता है। इसका सही आंसर है दोस्तों ओवल काउंटर सिंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रॉस कट रेती का प्रयोग के लिए किया जाता है, क्रॉस फाइलिंग के लिए, सुराखों की फाइलिंग के लिए और सी है ब्लेड के दांतों की गोलाई व गहराई बढ़ाने और डी है स्ट्रेट फाइलिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों ब्लेड के दांतों की गोलाई व गहराई बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये विशेष प्रकार के फाइलों में आता है क्रॉस फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन बार निम्न में से किस साइज में नहीं होता। पूछा गया दोस्तों साइन बार किस साइज का नहीं होता है। कई लड़कों ने मुझे टेस्ट में ऑब्जेक्शन भी किया था। देखिए, अलग अलग बुक में आपको मिल सकता है 300 भी लिखता है, लेकिन जो है ये जो है 300 जो होता है नहीं होता है। कुछ लड़कों ने 500 मार दिया, ऐसा नहीं, 500 साइज होता है। पूछा कि कौन सा साइज नहीं होता है, तो 300 साइज नहीं होता है, ये आपको 500 साइज होता है और ये आपको 200 साइज होता है और 100 mm साइज होता है। 300 mm का साइज जो होता है आपको नहीं पाया जाता, यही 250 रहता है 250, तो इस साइज का भी साइन बार मिलता है। साइन बार का उपयोग कहाँ करते हैं, साइन बार का उपयोग जो होता है कोण मापने में किया जाता है। किस सिद्धांत पर काम करता है, ये जो है आपको साइन थीटा के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पांच नंबर क्वेश्चन, टेलीस्कोप गेज चेक करते हैं, ऑप्शन ए है बाहरी व्यास, ऑप्शन बी है गहराई और सी है अंदरूनी साइज और डी है पेपर। देखिए, टेलीस्कोप गेज द्वारा जो होता है अंदरूनी व्यास को चेक करते हैं, जैसे ये है व्यास है खांचा को चेक करने में इसका उपयोग किया जाता है, इसकी दूरी चेक करने के लिए किया जाता है टेलीस्कोप गेज। आपको बताते चल रहे हैं, गेज जो होता है एक तरह का चेकिंग टूल होता है। टेलीस्कोप गेज जो होता है एक अप्रत्यक्ष मापी टूल है, जो कभी कभी एग्जाम में पूछता है टेलीस्कोप गेज किस तरह का गेज है। देखिएगा दोस्तों, छः नंबर क्वेश्चन है, स्टील की टेम्परिंग की जाती है, ऑप्शन ए है डक्टिलिटी बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी है हार्डनेस बढ़ाने के लिए और सी है हार्डनेस कम करने के लिए और डी है टफनेस बढ़ाने के लिए। इसका सही आंसर है दोस्तों सी हार्डनेस कम करने के। स्टील की जो है टेम्परिंग की जाती है हार्डनेस कम करने के लिए की जाती है। स्टील की टेम्परिंग किस में की जाती है, तो खुली हवा में ही किया जाता है स्टील की टेम्परिंग, ना कि इसको क्यूचनिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सात नंबर, फोर्जिंग भट्टियों में कौन सा ईंधन प्रयोग नहीं होता है। फोर्जिंग भट्टियों में कौन सा ईंधन का प्रयोग नहीं किया जाता है, पेट्रोल गैस, पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन बी है तेल, ऑप्शन सी है कोयला, चारकोल
ऑप्शन डी है इलेक्ट्रिक करंट। देखिए पेट्रोल गैस का भी प्रयोग होता है, तेल का भी प्रयोग होता है, कोयला और चारकोल का प्रयोग आप देखे ही होंगे। यहाँ जो होता है हमारे फोर्जिंग भट्टियों में इलेक्ट्रिक करंट का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो कार्बन स्टील पार्ट्स की सतह में कार्बन की मात्रा बढ़ाने को कहते हैं हार्डनिंग कहते हैं, कार्बोनाइजिंग कहते हैं, नाइट्राइजिंग कहते हैं और साइनाइडिंग कहते हैं। देखिए कार्बन बढ़ाने की क्रिया को जाता है कार्बोनाइजिंग कहते हैं। देखिए याद कर लीजिएगा, अगर किसी लो कार्बन स्टील में कार्बन बढ़ाने की बात की जाए तो होता है कार्बोनाइजिंग कहलाता है, और यही जब आपको हार्ड करने की क्रिया की जाती है वो जो होता है केस हार्डनिंग कहलाता है, ना कि केस हार्डनिंग में कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है, उसके बाहरी भाग को केवल हार्ड किया जाता है। केस हार्डनिंग में फिर भी किनारे वाले कोर जो होते हैं नर्म रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, ड्रिल का कटिंग एंगल निर्भर करता है ड्रिल धातु पर, जॉब धातु पर, मशीन स्पीड पर, ड्रिल साइज पर। ड्रिल का कटिंग एंगल दोस्तों जो होता है जॉब धातु पर डिपेंड करता है, किस धातु का हमारा जॉब है उसी के अनुसार ड्रिल का पॉइंट एंगल होता है। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन है, धातु की सतह पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की विधि कहलाती है ए अस्थाई, बी अस्थाई, सी अर्धस्थाई और डी जो होता है कोई नहीं। देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जो विधि होती है वो जो होता है जंग से बचने के लिए, जंग से बचने के लिए जो परत चढ़ाई जाती है वो कई तरह के होते हैं, जैसे आप पेंट कर लेते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर लेते हैं, जिंक की परत चढ़ाते हैं, ये सभी जो होता है एक जंग से बचने की प्रक्रियाएं हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होता है अस्थाई प्रक्रिया है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसी प्रक्रिया है? अस्थाई प्रक्रिया है। अब बात करते हैं पेंटिंग की। पेंटिंग जो होता है अर्धस्थाई प्रक्रिया है। पेंटिंग अगर आपसे पूछा जाए कि पेंटिंग कौन सी प्रक्रिया है तो अर्धस्थाई प्रक्रिया है। यही बात करते हैं अगर थीन या प्लास्टिक की परत चला जाते हैं, अगर किसी जॉब पे जंक लगने से बचाने के लिए थीन या प्लास्टिक की परत चढ़ाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लैक्रिंग कहते हैं। अब आपको अगर ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम। सॉरी, बेंच वाइस की स्पिंडल में चूड़िया कटी होती है, वी आकार की चूड़िया कटी होती है, बी है वर्गाकार चूड़ी और सी है एकमे चूड़ी और डी है नकल थ्रेड। देखिए वर्ग बेंच वाइस की स्पिंडल में जो होते हैं एकमे चूड़ी भी कटी होती है, वर्गाकार चूड़ी में कटी होती है। अधिकतर आप एग्जामों में अगर रिटर्न के लिए जाते हैं तो आप वर्गाकार चूड़ी भी दे सकता है, एकमे चूड़ी भी दे सकता है, लेकिन सही होगा आपका वर्गाकार ही चूड़ी। अधिकतर आजकल जो है वर्गाकार चूड़ी ही दिया जा रहा है, लेकिन देखिए टेक्निकल एग्जामों में दो चीज़ होता है, आप सोचते कुछ है और एग्जामिनर कुछ और सोचता है, तो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है वो वर्गाकार चूड़ी मारता है या एकमे चूड़ी मारता है। आप अधिकतर कोशिश कीजिएगा वर्गाकार चूड़ी ही आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर, चीजल का हेड किस प्रकार का नहीं होना चाहिए? चीजल का हेड दोस्तों किस प्रकार का नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए है प्लेन, ऑप्शन बी है गोल और सी है मशरूम और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिएगा चीजल का हेड आप लोग जो होता है प्लेन देखे ही होंगे, गोल देखे होंगे, मशरूम चीजल का हेड उपयोग नहीं किया। मशरूम से समझते हैं छाता की तरह जो होता है, जनरल देहातों में या खाने को आपको मिला होगा, तो मशरूम जो होता है चीजल के ऊपर, चीजल का ऊपरी भाग जो चोट देते देते क्या होता है फट जाता है, फटने के कारण जो होता है उस भाग को हम क्या कहते हैं? मशरूम कहते हैं। तो फटे हुए हेड के चीजल प्रयोग करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, इसलिए मशरूम हेड चीजल का उपयोग नहीं करना चाहिए, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भी भी ब्लॉक ग्रेडों में मिलते हैं, ऑप्शन ए है भी ब्लॉक कितने ग्रेड में उपलब्ध होते हैं? ऑप्शन ए में ए है, बी में बी है, सी में ए एंड बी दोनों दिया है और डी में ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर है सी, भी ब्लॉक जो होता है 2 ग्रेडों में मिलता है, ए और बी दो ग्रेडों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं,
जौ पर मृदु धातु की ढलाई के रफ सिरे को ट्रिम करते हैं। जौ पर मृदु धातु की ढलाई के रफ सिरे को ट्रिम करते हैं। रफ फाइल द्वारा, बी डेड स्मूथ फाइल द्वारा, सी है सेकेंड कट फाइल द्वारा और डी है बस्टर फाइल द्वारा। इसका सही आंसर है दोस्तों रफ फाइल द्वारा, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर। माइंड स्टील को काटने के लिए चीजल का पॉइंट एंगल होता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 55 डिग्री। इसका सही आंसर कौन सा, माइंड स्टील का होता है 55 डिग्री होता है, ठीक है ना। यही बात करते हैं एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का होता है 30 डिग्री, एल्युमिनियम के लिए 30 डिग्री होता है। अगर 45 डिग्री की बात की जाए तो 45 डिग्री आपको मिलता है तांबा का, और 60 डिग्री की बात की जाए तो 60 डिग्री जो होता है ढलवा लोहा का होता है चीजल एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर और लास्ट क्वेश्चन। एनविल के किस पार्ट को बिक कहते हैं, एनविल के किस पार्ट को बिक कहते हैं। ऑप्शन ए है स्क्वायर होल को, बी है निचले भाग को, सी है गोल टेपर सिरे को और डी है आयताकार ऊपरी सरफेस कम को। इसका सही आंसर दोस्तों गोल टेपर सिरे को। आपको फिगर के माध्यम से मैं समझाना चाहूँ तो देखिएगा जरा, ये आगे वाला भाग जो होता है चोचनुमा बना होता है एनविल का, आगे का भाग जो होता है चोचनुमा बना होता है, यही जो एनविल का क्या कहलाता है, बिग कहलाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।